न्यूज सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं अक्सा वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते हैं आज की खास खबरें। SSC के परिणाम घोषित, नागपुर रिजल्ट में लड़कियों ने लड़कों को पछाड़ा। डिवीजन में 97% तक छात्रों ने परीक्षा पास की। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन MSBSHSE ने 17 जून को SSC यानी कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित किया है। इस साल महाराष्ट्र का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 96.94% है। नागपुर डिवीजन ने इस साल 97% पास प्रत्याशित दर्ज किए हैं। परीक्षा के लिए कुल 155,360 छात्रों ने पंजीकरण कराया था, जिसमें से 153,739 छात्र उपस्थित हुए थे। नागपुर डिवीजन से 150,133 छात्रों ने परीक्षा पास की है। उपस्थित हुए 153,739 छात्रों में 78,987 लड़के और 74,752 लड़कियां थी। इस साल की SSC परीक्षा में लड़कियों ने लड़कों को पछाड़ा है। 74,752 में से 73,394 लड़कियां 98% के साथ उत्तीर्ण हुई है। परीक्षा में बैठने वाले 78,987 लड़कों में से 75,739 ने 95% हासिल किए हैं। नागपुर जिले में 59,000 छात्रों ने SSC परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था, जिसमें से 59,000 छात्र उपस्थित हुए थे। कुल 58,101 छात्रों ने 57.93% के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की है। 22,088 छात्र डिस्टिंक्शन के साथ उत्तीर्ण हुए, जबकि 24,298 छात्रों ने ग्रेड 1 के साथ परीक्षा पास की है। ग्रेड 2 में 10,512 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है, जबकि 1,203 छात्रों ने मामूली रूप से परीक्षा उत्तीर्ण की। नागपुर जिले में 30,220 लड़के परीक्षा में शामिल हुए और 29,367.98% के साथ उत्तीर्ण हुए। जिले में भी लड़कियों ने लड़कों को पछाड़ा। परीक्षा में बैठने वाले 29,104 लड़कियों में से 28,732 लड़कियां पास हुई, प्रतिशत 98.72 है। नागपुर डिवीजन में 5,015 छात्रों ने SSC परीक्षा 90% या उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण की। 10,807 छात्रों ने 85% से 90% के बीच अंक प्राप्त किए। 17,144 छात्रों को 80% से 85% के बीच अंक मिले। 75% और 80% के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 21,471 है। 70% से 75% के बीच स्कोर करने वाले छात्रों की संख्या 22,494 है। 21,336 छात्रों को 65% से 70% के बीच अंक मिले हैं। 19,976 छात्रों ने 60% से 65% के बीच अंक प्राप्त किए, जबकि 27,863 छात्रों को 45% से 60% के बीच अंकों से संतुष्ट होना पड़ा। 6,013 छात्रों ने 45% से कम अंक प्राप्त किए। इस साल 16.38 लाख छात्रों ने अपनी कक्षा 10वीं की परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया, जिसमें 8,89,506 लड़के और 7,49,458 लड़कियां शामिल थीं। अब हमारे चैनल को आपके मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें MNS न्यूज TV। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव देखने के लिए www.mnsnewstv.com पर जा सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरों को। बने रहे MNS न्यूज पर।